हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज, एंड मोस्ट वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज आपके सामने है 2023 में जो वेन्यू आ रही है लेटेस्ट में, फेस लिफ्ट के साथ ही आई थी और इसमें लाइट्स वगैरह चेंज है। देखो भाई आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से। तो आज ना इसका कम्प्लीट ओनरशिप रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने परचेज़ की है, तो उसकी स्टोरी जानते हैं आज कि इस गाड़ी को लेने के पीछे उसका क्या रीज़न था और कौन कौन सी गाड़ी वो कंसीडर कर रहा था और उन सबको रिजेक्ट करके ये गाड़ी क्यों ली। तो पूरी स्टोरी भाई कवर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो आप लोग देखना। और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट कर देना, तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ इसके दो पार्ट बना देंगे, एक मैं तो भाई की स्टोरी और एक मैं चला के देख लूंगा। मैंने अभी तक चलाई है नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि अंडर पावर है, ये है वो है, तो देखते हैं भाई। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई ये इस कार के ओनर है, भाई का नाम है प्रियांशु। कैसे हो भाई? हेलो एवरीवन। तो भाई ये मेरे दोस्त का छोटा भाई है और इन्होंने भाई कार परचेज की है। अभी कितने दिन हो गए इसको लिए हुए? ये 2 जून को ली थी, तो लगभग 10 डेज 10 एक दिन ही हुए हैं। तो भाई नंबर वंबर इसमें लगा हुआ मिल रहा था या फिर कैसा सीन था इसमें? नहीं, नंबर इसमें अभी हमने थोड़ा जल्दी परचेज कराया। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी नंबर वगैरह देते हैं फिर नंबर आता है, टाइम लगता है उसमें थोड़ा। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं भाई, वेन्यू ही क्यों लिया आपने, मतलब और कौन कौन सी गाड़ियाँ आप देख रहे थे और इसको लेने के पीछे क्या रीज़न था आपका? हमने 2-3 गाड़ी सजेस्ट करी थी, मतलब हमारे को किसी ने खरी थी, हमने फ्रॉन्क्स देखी थी, हाँ, और नेक्सॉन देखी हमने। नेक्सॉन में थोड़ा सा स्पेस इशू आया बैक साइड में, और फिर लास्ट में हमने वेन्यू देखी, इसका रिव्यू वगैरह देखा हमने, और इसमें हमें सब चीज़ मतलब A to Z जो हमें कंप्लीट चाहिए थी फैमिली के हिसाब से सब मिला। आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, आपको कैसी गाड़ी चाहिए थी, आपको जब आप देख रहे थे माइंड में क्या था? टाइप हो, मतलब ऊंची चाहिए थी गाड़ी कुल मिला के, और स्पेस हो, अच्छा हो, पीछे एसी वेंट वगैरह, अच्छे फीचर्स हो। अच्छा, फीचर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? क्रूज कंट्रोल वगैरह, हैंडल कंट्रोल वगैरह, अच्छे एसी वेंट, आर्म रेस्ट, मतलब जो बेसिक फीचर आते हैं। तो जब इसको देखने गए भाई, तो पहले बताओ कितने दिन में मिल गई आपको ये? हमको 10 डेज करो, 10 दिन में दे दिन होने, तो मतलब कि ज़्यादा वेटिंग इसमें है नहीं। तो कौन सा वेरियंट है भाई? ये एस ऑप्शनल है। कितने की पड़ गई आपको ये? 1140। तो भाई इस प्राइस रेंज में तो आपकी यार बेस मॉडल वो भी आ जाती है, सेल्टोस वगैरह बेस मॉडल आ जाती है, लेकिन वो फीचर्स वगैरह नहीं मिलते। हाँ, मैंने उससे बोला था कि एक बार सेल्टोस वगैरह देख लो, तो उसने कहा नहीं, थोड़े फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो बाकी अपने को थोड़ी सी कॉम्पैक्ट चाहिए गाड़ी। तो चलाने में कैसी लग रही है भाई? अब चलाने में बहुत अच्छी गाड़ी है, फैमिली कार के लिए सबसे अच्छी कार है, सबसे अच्छी सजेस्ट करता हूँ मैं तो। देखो हमको बढ़िया लगी। एवरेज वगैरह कितना शो करता है? एवरेज अभी तो इसका मतलब कंपनी क्लेम करती है 18 का, अभी फिलहाल ये 12 13 लोकल में देती है इतना। लोकल में तो थोड़ा कम है, मतलब फिर भी 10 12 के अलाउड है। कितनी चला दी ये हमने? 150 बस इतनी चलाई है, तो मतलब रनिंग काफ़ी कम ही रहेगी कुल मिला के। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये ना एजेक्टर मिलेगा, ऊपर की तरफ इंडिकेटर है और ये ग्रिल है कुछ इस टाइप की, ठीक है। और इसमें जो ये मिल जाते हैं 15 इंच के हैं, ठीक है, टायर साइज 15 इंच का है, जो सफिशेंट है, मतलब अच्छा खासा है। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये देखो भाई, ये चीज़ काफ़ी मस्त लगती है मेरे को, क्योंकि जब ये आई थी काफ़ी बड़ी लग रही थी। तो ये वाली तो ग्लोइंग वाली है, मतलब जल रही है ना, ये जलती है या फिर खाली डमी है? नहीं, डमी है। अच्छा, इससे ऊपर वाले मॉडल में है। हाँ, वैसे लग जाएगी ये, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करोल बाग वगैरह में सब काम हो जाता है। और ऊंचे वाले मॉडल में काफ़ी मस्त लगती है। अब तो खैर मारुति ने भी ये काम करना शुरू कर दिया भाई, डमी दे रहे हैं यहाँ से, मतलब अगर ऊंचा मॉडल लोगे तो जला के देंगे, नहीं तो खाली डमी लगा के दे देंगे। तो पीछे की तरफ आपको इसमें देखो कैमरा भी मिल जाता है, कैमरा तो मिल रहा है ना ये? अच्छा, एक्सेसरीज वगैरह कुछ लगवाई थी इसमें? एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं, इसमें लगा। अच्छा, तो मतलब दे दी उन्होंने गाड़ी बिना एक्सेसरीज वगैरह के उसके। सही है यार, मतलब किससे लिए? दास हुंडई। तो सर कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा? इनका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है और इनकी सेल बहुत अच्छी है, और इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो ज्यादा बेस्ट। तो डिलीवरी वगैरह बढ़िया करा दी? चलो, क्योंकि मेरठ में तो शायद ये इधर ही घर रोड की तरफ है ना, ये आबुलैन। अच्छा, आबुलैन पे है, ठीक है। तो थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ आप देख लो, व्हाइट और इसका थोड़ा सा ऑफ व्हाइट में, ब्लैक और ऑफ व्हाइट में इसका आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है प्रॉपर। और ये एप्पल कारप्ले तो वगैरह सपोर्ट होगा ना? हाँ। सब इसमें तो वायरलेस है, वायर्ड के साथ है? वायर के साथ है। अच्छा, तो वायरलेस इस वाले मॉडल में नहीं मिलता। तो यार इसको लेने के बाद मतलब कैसा रहा कि भाई सही डिसीजन था क्या, अभी तक क्या लग रहा आपको? अब तक जो गाड़ी देखी उनमें से सबसे सही डिसीजन था ये, अभी तक सही था। आप बता रहे थे ब्रेजा देखी थी आपने, नेक्सॉन देखी थी आपने, तो नेक्सॉन क्यों रिजेक्ट करी, क्या रीजन था? नेक्सॉन में थोड़ा सा स्पेस इशू आया बैक साइड में, बैक साइड में पीछे, तो इसमें ठीक है, सफिशिएंट है, इसमें सफिशिएंट है बिल्कुल, मतलब पीछे मतलब
पांच लोग इस कार में बैठ के आराम से जा सकते हैं, सबको अच्छा लेग रूम मिल सकता है, कंफर्टेबल सीट्स मिल सकती हैं। तो फ्रॉन्स को रिजेक्ट करने का क्या रीजन था? बड़ी लुक वाइज वो फ्रॉन्स से वेन्यू ज्यादा अच्छी है। हाँ, लुक वाइज पसंद नहीं है, लुक वाइज थोड़ा सा वो थोड़ा नया सा लुक है ना, थोड़ा अडॉप्ट करने में उसको टाइम लग जाएगा। बाकी नेक्सॉन तो भाई देखो चलाने में थोड़ी सी और मजा आता है क्योंकि उसमें टर्बो इंजन है, बट हाँ स्पेस का इशू है। विस्कोस्ट वगैरह क्या बता रहे हैं कि कितनी आ जाएगी, कुछ पूछा आपने उन लोगों से? अभी तो मतलब उन्होंने फर्स्ट सर्विस पे पता लगेगा, अभी ऐसे तो कुछ सर्विस कॉस्ट बताई नहीं है। तो कुछ कितना लग रहा है भाई, कितनी आ जाएगी? आइडिया नहीं है, तो मेरे हिसाब से 9-10 हज़ार के आसपास का इसमें बैठ जाना चाहिए। तो इसमें ना एयरबैग मिल जाते हैं आगे की तरफ, कितने इसमें टोटल एयरबैग? 4 एयरबैग मेरे ख्याल से पिलर पे होंगे और 2 आगे होंगे। इस बार ही आए हैं, सीट में एडजस्टमेंट है और एक आगे है। भाई ये ना देखो, इसमें 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, 83 BHP की पावर और 118 या 113 Nm का टॉर्क है, जो कि जो है इसमें मतलब एग्जैक्ट वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इतनी ही आवाज़ करती है, ऐसे चल रहा है अभी। एक बार बोनेट खोल बोल के दिखा देता हूँ आपको, इसका बोनेट में तो है भाई थोड़ी सी वजन है, ये देखो। तो ये इसमें इतनी साउंड क्रिएट करता हो गया मैम, ये क्रोम लगवाया होगा भाई ने बाहर से। इसमें साइड में इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर से देखो ये वाले मस्त लग रही है यार। मतलब कुल मिला के ना इसका लुक अच्छा है इस गाड़ी का। और पीछे देखो आपको ना इस वेरिएंट के अंदर आपको भाई डिफॉगर भी मिल जाएगा, वाइपर मिसिंग है बट डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, तो पार्किंग सेंसर आपको इसमें 2 मिलते हैं। और ये भाई कैमरा है ही पीछे, कैमरे की क्वालिटी एक बार मैं चेक कराता हूँ आप लोगों को। एक बार रिवर्स का कैमरा देखना, चलाना भाई इसका कैसा है, क्वालिटी कैसी है। ये है भाई, ठीक है, थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी इसको लेने के बाद मतलब कुछ फीचर्स आपको लगता है कि भाई ये भी होना चाहिए था, कुछ मिसिंग? ये ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट होना चाहिए था। अच्छा, ऑटोमेटिक है नहीं इसमें? नहीं। हाँ यार, तो काफ़ी मेजर फीचर मिसिंग है क्योंकि ये तो आजकल मस्ती हो गया, बैठो और ऑटो पर दबा दो और वो अपने आप ही। तो सेडान वगैरह नहीं देखी, मतलब मन में यही था कि भाई ऊँची लेनी है गाड़ी। ऊँची लेनी है, क्या रीज़न था उसका? क्योंकि सेडान एक हम चला रहे हैं। अच्छा, एक है उनसी फोर्ड फीगो। अरे हाँ, फीगो है यार, फीगो है, अभी निकाली नहीं क्या वो? नहीं। तो मेरे ख्याल से डीजल में है। हो गया टाइम उसको? हाँ टाइम हो गया उसको, लेकिन गाड़ी मस्त है भाई, फोर्ड मस्त गाड़ी है। तो ये ना स्टीयरिंग भी आपका एडजस्टेबल है, टिल्ट भी है क्या करना इसको नीचे? टिल्ट है खाली, टेलीस्कोपिक नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई जैसे आपको कोई देख रहा होगा, गाड़ी लेना चाह रहा होगा, तो वेन्यू में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो आप उसके लिए 2 शब्द बोलो, मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ले ना ले, वीडियो तो इसलिए देख रहा होगा भाई वो वेन्यू। एक अगर आप फैमिली कार के लिए देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपको एक अच्छे प्राइस में एक अच्छी एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाए, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपने ली होगी गाड़ी, यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा, तो हुंडई के साथ थोड़ा सा वो भी रहता है कि भाई जो सर्विस रहती है उनकी आफ्टर सर्विस वगैरह वो अच्छी नहीं मिलती लोगों को। तो बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का, मतलब क्या लगता है आपको, सर्विस अच्छी देंगे वो लोग? हाँ, अभी तक तो उन्होंने बेस्ट दिया है अपना। हाँ, और मैं होप करता हूँ कि वो आगे भी अपना बेस्ट ही देंगे। ठीक है, तो भाई यही थी, इस वीडियो का एंड करते हैं। और भाई के साथ बस यही पूछना था कि भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ मतलब रिजेक्ट करी इस गाड़ी के लिए, मतलब माइंड में क्या क्या चलता है। बात ये है क्योंकि इंसान गाड़ी लेता है तो समझ लो बहुत कुछ सोच के, अपना पैसे जोड़ जाड़ के, अपना बजट बना के, बहुत चीज़ें देख दाख के लेता है। तो भाई यही थी वीडियो, और मैं इसको चला लेता हूँ, एक दूसरा पार्ट और बना लेते हैं क्योंकि मैंने चलाई नहीं है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई चलाने में कैसी है, अंडर पावर है नहीं है। तो भाई मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखें, डिल टेक केयर, जय हिंद। बातें करा चंगी पर नहीं आ कैसे नोवा में, डाउन राइट ए पॉल जे आ मारा ओवा में, मेरे अंडे प्रोटीन तेरे अंडे ओवा में, मेरी बंदी लॉयर तेरी बंदी सोना में, मैं अल्फा टाइप तेरी बातों में भी एक्स है, तू फिर तब ब्रोक मेरी शर्ट में भी चेक्स है, तेरी बातें फीकी मेरे गानों में भी फ्लेक्स है, तू वर्जिन मेरी बीट में भी सेक्स है।